जौनपुर में सपाइयों व पुलिस में ज्ञापन देने के दौरान जमकर हुई धक्का मुक्की, 3 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या भाजपा राज में हुई है उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 8 जुलाई 2021 को प्रमुख पद के नामांकन के समय विपक्ष के प्रत्याशी प्रस्ताव को समर्थकों महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना व अभद्रता और पूर्व स्पीकर से माता प्रसाद पांडे के साथ धक्का मुक्की और उन्हें चोट पहुँचाने की भी कोशिश की। इन घटनाओं से जाहिर है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की बात बेमानी हो रही है। बता दें कि जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हजारों की संख्या में आज सपाइयों ने महंगाई भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों पुलिस में जमकर झड़प हुई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार अग्निहोत्री को जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सपाइयों ने 3 प्रमुख समस्याओं को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले स्तर की समस्या को जिलाधिकारी, प्रदेश स्तर की समस्या को राज्यपाल को ज्ञापन और वहीं देश की हित जुड़ी समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपाइयों ने काफी समय तक कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा मचाया। इस मौके पर भारी पुलिस बल, एक प्लाटून PSC, जिले के तमाम अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM सदर नीतीश कुमार, CO सिटी इंस्पेक्टर लाइन बाजार योगेंद्र यादव, सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव कुमार मिश्रा सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिस तरह से जुल्म, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कर रही है उसके विरुद्ध समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन और ज्ञापन है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि जिस तरह से जनता से वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी, हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, नौजवानों को हम जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे देंगे, और जिस तरह से तमाम सारे वादे किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए इस सरकार ने किया था, उसमें से एक भी काम पूरा नहीं किया, अब बहकाने का काम कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर के तमाम सारी परिस्थितियों में आज जो है ज्ञापन देगी, प्रदर्शन करते हैं। अच्छा जी, एक बात रही, क्योंकि आज मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन होना था और लोकार्पण होना था, लेकिन क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ का उद्घाटन और लोकार्पण कैंसिल करना पड़ा? देखिए, उनकी कथनी और करनी में एकरूपता रहती ही नहीं, कभी नहीं, जो कहे हैं वो करते नहीं, जो करते हैं उसे कहते नहीं। एक मेडिकल कॉलेज तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर शिलान्यास किया, जिसके दरवाजे खिड़कियां भी उखाड़ी जा रही हैं, उसको तो पूरा नहीं किया। ऐसी दशा में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्य किया था, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा, चाहे तमाम सारी जो सेवाएं थी, वही इस कोरोना काल में काम आई है। अगर ये मेडिकल कॉलेज हमारे जौनपुर का बन गया होता तो मैं समझता हूँ कि हर हालत में यहाँ कम से कम यहाँ के लोगों को कहीं दूसरी जगह न जाना होता, दूसरे जनपद के लोगों को भी राहत यहाँ से मिलती। क्या मानते हैं कि इसे राजनीतिक देश से आज ये 7 साल से मेडिकल कॉलेज अधर में लटका हुआ है? बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य से लोगों को बहकाने का, भटकाने का, जनसंख्या कानून, तरह तरह का कानून, इन सारी चीजों को लगाने का, लाने का, जो जिस तरह से लोगों को, जो उनके दिमाग में आए कि जनता को बहकाने से काम होता है, समझाने से नहीं होता, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है कि ऐसी दिशा में जो है क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, जब 4.5 साल बीत गया, 4.25 साल बीत गया, तो अंतिम समय उनके दिमाग में आ रहा है कि हम लोगों के लिए इस तरह का विकास कार्य करेंगे। पूरे जनपद की सड़कें एक तरीके से धूल उड़ रही हैं, सब गड्ढा युक्त हो गई है, कहीं कोई इस तरह का राहत सरकार की तरफ से न मिला है न उम्मीद है। इसलिए हम अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं और मांग करते हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जिस तरह से किसानों के खिलाफ काला कानून बनाया गया है और जिस तरह नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया है, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को भेजने का काम करें।